हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पीडी स्टाइल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं सूजी का उपमा बनाने जा रही हूँ। इसमें मैं वेजिटेबल्स का ज़्यादा यूज़ करूँगी। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत हेल्दी है और बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है। तो इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए क्या क्या सामग्री लगेगी वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, सूजी का उपमा आज मैं बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ कुछ सामग्रियाँ इकट्ठी की हैं। जैसे यहाँ मेरा कैरेट है, ग्रीन चिली है, बीन्स है, ये कैप्सिकम है, करी लीव्स है, लहसुन की दो कली हैं, यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स हैं, कॉलीफ्लावर है, सूजी है, पीनट्स हैं, कोरिएंडर लीव्स हैं, सॉल्ट है, रिफाइंड ऑयल है। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मैं गैस पे एक पैन चढ़ा चुकी हूँ और ये मेरा ऑलरेडी गर्म हो चुका है। इसमें अब हम रिफाइंड ऑयल ऐड कर देंगे। पैन गर्म हो चुका है, इसमें अब मैं रिफाइंड ऑयल ऐड कर दूंगी। इसमें मैं सबसे पहले सूजी थोड़ा सा गर्म करूंगी। इसे ज़्यादा हम नहीं गर्म करेंगे, ज़्यादा इसे भूंजेंगे भी नहीं, इसे केवल थोड़ा सा ही हम गर्म करेंगे। इस तरीके से मेरा ये गर्म हो गया है सूजी, हल्का रोस्ट जिसे बोल सकते हैं आप। इसे अब मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूंगी। अब हम पैन में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। इसमें करी लीव्स ऐड कर देंगे। मस्टर्ड सीड्स ऐड कर देंगे। लहसुन की कुछ कली जो थी मेरी दो, उसकी कटिंग करके हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। सरसों के दाने चटक जाने चाहिए, जिससे अच्छा टेस्ट आएगा हमारे उपमा में। यहाँ पीनट्स का यूज़ करूँगी मैं। कैप्सिकम ऐड कर दूंगी। कैप्सिकम को हम कम से कम एक मिनट फ्राई करेंगे। इसके बाद हम ये बीन्स जो हमने काट के रखी थी उसे भी ऐड कर देंगे। कैरेट एंड ग्रीन चिली भी ऐड कर देंगे। इसे हम लो टू फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। ये अच्छे से कुक हो जाना चाहिए। गोभी की जो हमने कटिंग करके रखी थी फूल गोभी की, वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसे हम दो तीन फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। सारी ग्रीन वेजिटेबल हमारी अच्छे से कुक हो जाए। इसे हम चबा लेंगे। इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। हम थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा नॉर्मल लाल मिर्च। मैं यहाँ
हल्दी का यूज़ बिल्कुल नहीं करूँगी। अगर आपको कलर देना है तो आप इसमें कलर इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने इस उपमा में वेजिटेबल का यूज़ ज़्यादा किया है, आप चाहें तो कम वेजिटेबल का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसे आप सिंपल भी बना सकते हैं। यहाँ मैं वाटर ऐड कर दूंगी, यहाँ थोड़ा मैं सॉल्ट ऐड करूंगी, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्ट ऐड करिए। और मैं यहाँ पे वाटर ऐड कर दूंगी। जितनी सूजी है उसका थोड़ा सा डबल आप पानी ले लीजिएगा। बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है, इसे हम कुक होने देंगे 2 मिनट के लिए। ये मेरा कुक हो गया है, इसमें अब हम सूजी जो हमने फ्राई की थी सूजी उसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। बहुत टेस्टी उपमा बनने वाला है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। स्टार्टिंग से एंड तक इस रेसिपी को ज़रूर देखें और आप लोग भी ट्राई करें। मेरा उपमा बन के रेडी हो गया है फ्रेंड्स, अब इसे मैं सर्व करती हूँ। मैंने उपमा सर्व कर दिया है फ्रेंड्स, मेरा उपमा बन कर रेडी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत टेस्टी है। मेरी अगर ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करना ना भूले फ्रेंड्स। थैंक यू।